क्या आप जानना चाहते हैं कि मोबाइल से YouTube पर वीडियो कैसे अपलोड करें? तो फिर ये वीडियो देखते रहिए। नमस्ते, मेरा नाम एकता है। सबसे पहले आपको YouTube की ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। अगर आपके पास YouTube की ऐप नहीं है तो आप प्ले स्टोर में जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने पहले से YouTube की ऐप डाउनलोड करी हुई है, तो मैं ये YouTube की ऐप खोल देती हूँ इस पर क्लिक करके। ये देखिए, ये YouTube की एप्लीकेशन खुल गई। अब अगर आपको अपलोड करना है तो कैसे करें? यहाँ देखिए, ऊपर ये तीन पट्टियाँ बनी हुई हैं, लाइंस बनी हुई हैं, उस पर क्लिक कीजिए। अब ये एक मेन्यू सा खुल गया। इसमें आप देख सकते हैं अपलोड्स, हिस्ट्री, फेवरेट्स वगैरह। तो हम अपलोड्स पर क्लिक करते हैं। अब देखिए, ये वो वीडियोस हैं जो क्या कैसे ने अपलोड किए हैं YouTube पर। लेकिन अगर नया वीडियो अपलोड करना हो तो फिर क्या करें? ये देखिए, ऊपर एक अपलोड का आइकन बना हुआ है, आप उस आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। और ये एक मेन्यू सा खुल गया, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आपको वीडियो कहाँ से अपलोड करना है। हर एंड्रॉइड फोन में एक फोल्डर होगा जहाँ पर आपकी वीडियोस स्टोर होते हैं, सेव होते हैं। तो आप उस फोल्डर से अपने वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। तो इस केस में देखिए, गैलरी है, हम गैलरी पे क्लिक करते हैं और अब ये हमारे सारे वीडियोस खुल गए। ये देखिए, ये एक वीडियो है जो बीच में है, वीडियो 1, इसको हम अपलोड कर लेते हैं। ये देखिए, ये खुल गया और इसे सिलेक्ट कर लीजिए इस पर क्लिक करके। तो ये वीडियो अब सिलेक्ट हो चुका है अपलोड होने के लिए। लेकिन आपको अभी भी कुछ कदम उठाने हैं इस वीडियो को अपलोड करने से पहले। यहाँ पर देखिए, टाइटल है, आप चाहे तो इस टाइटल को चेंज कर सकते हैं। टाइटल का मतलब होता है शीर्षक, और ऐसा शीर्षक रखिए जो आसान भी हो और जो लोगों को खोजने पर पता चल जाए कि ये वीडियो किस बारे में है। और फिर नीचे देखिए, डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है विवरण, यानी कि ये वीडियो किस बारे में है। तो आप यहाँ पर कई शब्दों का इस्तेमाल करके आराम से बता सकते हैं लोगों को कि ये वीडियो किस बारे में है। चलिए कुछ डाल देते हैं। तो चलिए, ये हो गई हमारी डिस्क्रिप्शन। अब हम इसको ऊपर स्क्रॉल करते हैं, ये देखिए प्राइवेसी सेटिंग्स आ गई। प्राइवेसी में देखिए, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो तीन ऑप्शंस या तीन विकल्प आपके पास हैं। पब्लिक का मतलब होता है कि आपका वीडियो कोई भी देख सकता है। अनलिस्टेड का मतलब सिर्फ वो ही लोग आपके वीडियो को देख सकते हैं जिनके पास आपके वीडियो का लिंक है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने वीडियो पूरी दुनिया के साथ शेयर नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि सिर्फ आपके दोस्त या सिर्फ आपके जान पहचान वाले लोग ही उस वीडियो को देखें। ऐसी सिचुएशन में आप उस वीडियो को अनलिस्टेड ही रखिए। तीसरी ऑप्शन है प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब होता है कि वो वीडियो सिर्फ आप देख सकते हैं और कोई नहीं देख सकता। तो हम इस वीडियो को पब्लिक ही रख देते हैं और पब्लिक पर क्लिक करके उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो प्राइवेसी सेटिंग्स पब्लिक हो गई। फिर नीचे जाते हैं, ये देखिए टैग्स आ गया। टैग्स क्या होता है? टैग का मतलब होता है वो शब्द जो आपके वीडियो के साथ जुड़ जाएंगे, जो आपके वीडियो के साथ टैग हो जाएंगे। जब लोग वीडियो को खोज रहे होते हैं इंटरनेट पर, तो वो किन शब्दों के द्वारा खोजते हैं? आपको उन लोगों की तरह सोचना है जो आपके वीडियो को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। आप चाहे तो इस फील्ड को खाली भी छोड़ सकते हैं, लेकिन चलिए हम कुछ टैग्स डाल देते हैं, जैसे कि नेचर, सीनरी और ब्यूटीफुल पिक्चर्स। अब ये देखिए, ये हमारे तीन टैग्स हो गए। और नीचे जाएंगे तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आपको अपनी लोकेशन यानी कि अपने स्थान को यहाँ इंक्लूड करना है। फिलहाल हम इसे खाली छोड़ देते हैं। तो फिर अब क्या करें? यहाँ पर देखिए, डन का बटन दबाते हैं। ये आपके सारे जो अभी अभी आपने स्टेप्स कंप्लीट किए वो आपको दिख रहे हैं। एक बार आपने ये सब भर लिया तो फिर यहाँ ऊपर अपलोड के बटन पर क्लिक कर दीजिए और ये वीडियो जो है आपका अपलोड होना शुरू हो गया। यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं 17-18% अपलोड हो चुका है। इस वीडियो का साइज है 92 MB। जितना आपका वीडियो बड़ा होगा उतनी ही आपको देर लगेगी उसे अपलोड करने में। और ये देखिए, जो हमारा वीडियो था ये अपलोड हो गया है। यहाँ पर ये तीन स्क्वायर्स बने हुए हैं,
आप उन पे क्लिक करेंगे तो ये एक मेन्यू खुल जाता है। आप चाहें तो इस समय इस वीडियो को एडिट कर सकते हैं, यानी कि उसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं या फिर उसे डिलीट भी कर सकते हैं। क्या आपको हमारा वीडियो पसंद आया? अगर हाँ तो YouTube में लाइक का बटन दबाइए। आप हमारे क्या कैसे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।